हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो इन आर प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट पोलिनेशन. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो और उसे पसंद करते हो तो प्लीज इसे लाइक करिए इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए

Understood? Pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grains that is shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Again, my to notes, the first definition pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower. So basically pollination is two types self-pollination and cross-pollination. Talking about self-pollination, it is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or a different flower on the same plant please mark it down stigma of the same flower or different flower on the same plant understood in self-pollination the flowers are genetically similar so mark this down that in self-pollination the flowers are always genetically similar पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स होते हैं पहला होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता ऑटोगैमी ऑटोगी एंडी सो लेट इज नाउ टबाउट वी ऑटोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉर इट इज फेवर ड्यू टू द फॉलोइंग in autogamy what happens that the pollen grain of an anther

डायग्राम में देखोगे तो ये जो एक्सपोज्ड फ्लावर्स हैं जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरफ एक्सपोज हुआ हुआ रहता है उसे हम चाज्मोगेमस फ्लावर कहते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर है ये भी इस प्लांट के फ्लावर है बट यहाँ पर क्या हो रहा है दे आर क्लोज सो जो पॉलिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में होगा सो आई होप आप और क्लियर हो गए होंगे गए और क्लिस्टोगस के बारे में ओके सो नाउ वी टॉक अबाउट getinogamy it is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant or genetically similar plant so basically the main difference between autogamy and getinogamy is in autogamy the pollination takes place within a flower okay the anther and the stigma of a same flower but in case of gitanogamy the anther एक अलग जेनेटिकल वेरिएशन हम लोग को मिलेगा क्योंकि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो अलग अलग प्लांट्स के हैं ओके okay. तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन के बारे में सो एडवांटेजेस कंसिस्ट ऑफ इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ द रेस सो इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ओनली वी विल ऑब्टेन ओनली प्योर ब्रीड द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इट इंश्योर्स सीड प्रोडक्शन एंड लास्ट इज दैट सेल्फ पोलिनेशन एलिमिनेट्स बैड रिसेसिव कैरेक्टर प्लीज मार्क इट डाउन दैट सेल्फ पोलिनेशन eliminates bad recessive character. Talking about the disadvantages of self pollination, variable and hence adaptability to change environment reduced. So since self pollination में genetically similar plants produce हो रहे हैं, तो क्या होगा कि chances of variation बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. और in turn जो adaptability feature है plant का, वो बिल्कुल same रहेगा अपने parent की तरह, वो develop नहीं हो पाएगा वाइटेलिटी डिक्रीज एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डी डी बिकॉज आपके जो बार बार एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है कि जो वाइटेलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है और बहुत जल्दी वो डिग्रेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिन तक इन्वायरमेंट से कोप नहीं कर पाएंगे उनके पास न्यू फीचर्स नहीं आ पाएगा अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्लियर नाउ नेक्स्ट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन अदर काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज योर क्रॉस पॉलिनेशन

ओके okay, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो आप इस पिक्चर को स्टडी करो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर्स का है तो आप देखोगे कि दोनों फ्लावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ईच अदर के बिकॉज़ दे आर नॉट हैविंग एनी जेनेटिकल वेरिएशन बट इन द सेकंड पिक्चर यू विल सी अ डिफरेंट फ्लावर इट इज हैविंग मोर वेरिएशंस ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ क्रॉस पोलिनेटेड प्लाट विल स्टडी द एडवाटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन सो पहला एडवांटेज ये होगा कि सिंस क्रॉस में एक जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व हो रहा है वील हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ हैविंग वेरिएशन एंड जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन ओके सो दिस पॉइंट सेज दैट क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन इन ऑफ

वेरी गुड कैरेक्टर आर लाइकली टू बी स्पॉल्ड सो इसके लिए भी सेम रीजन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो हो सकता है की डोमिनेट जो है एक इन बिटवीन या इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिल जाए एस एक्सटर्नल इज इनवॉल्व चांस फैक्टर इज ऑलवेज देर सो यहाँ पे देखो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा दे आर जस्ट द मीडियम ओके अबलिन्रीन अगर सही स्टिग्मा पे जा रहा है सही स्टिग्मा पे प्लेस हो रहा है तो ही पॉलिनेशन कम्पलीट हो पाएगा ठीक है आई होप यू आर क्लियर सो जब बात हमने स्टार्ट की है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में तो आइए We'll so okay? री so कर, so 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 कर जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ठीक है फ्लॉर्स आर स्मॉल एंड आर कलर एंड ओडरलेस पॉलिन ग्रीन आर ड्राई Anthers having, इसका मतलब क्या होगा कि इट्स नॉट नेरी है वेरी गुड कलर वेरी गुड ओडो बट स्टिल दे हैव टू कम्प्लीट दे पॉलीनेशन सो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपको हनी बीज काम नहीं आएंगे बट यहाँ पर इस काइंड ऑफ फ्लार में आपको विन पॉलीनेशन काम आएगा पॉलिन ग्रीन आर ड्राई सो एंथर्स है

आई होप यू आर क्लियर के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली फ्रॉम द टर्म हाइड्रो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉक अबाउट वाटर सो वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट वॉटर पॉलीनेशन तो जो फ्लार्स वाटर पॉलीनेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं दोज काइंड ऑफ फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल यू कैन सी फ्लार्स आर वेरी स्मॉल एंड कलरलेस ओडोरलेस एंड नेक्टरलेस स्टिगमा इज लॉन्ग स्टिकी एंड अनवेटेबल ठीक है सो इड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली सो सी वॉट एफी हाइड्रोफिली मीन्स वॉट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर ओके फॉर एग्जाम्पल वैलिसनेरिया नेरिया हाइफोहाइड्रोफिली मीन्स वॉट इन साइड फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा एंड सेरेटो फाइल सो जब भी आपका वाटर पॉलिनेशन ऑन द सर्फेस होता है यानी कि जो आपका पोलिन वो ऑन द सर्फेस स्लाइड करते हुए जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इन वेलेरिया उसे हम हाइड्रोफिली e. कहेंगे लेकिन जब पोलिनेशन इन साइड द वॉटर होता है तो उसे हम हाइफो हाइड्रोफिली कहते हैं सो पोलिन्रेन विदाउट एक्साइन आर ऑफ एन इलोंगेटेड वेलेरिया इज डाइशियस मेल प्लांट्स प्रोड्यूसार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लॉर्ट विच आफ्टर ब्रेकिंग राइज अपवर्ड्स इन क्लोज स्टेट एंड ओपन ऑन सर्फेस ऑफ द वॉटर The female produces flowers that brings it toward the surface of the water with the help of long pedicels. After pollination, the female is brought down into water. To example of better, we will go in our NCERT book. So, you have see dekhoge In uh, NCERT book says that in wallace the female flower reach the surface of the water by a long stalk and the male flowers or the pollen grains are released on the surface of the water. So, basically what is कि जो फीमेल फ्लावर होगी उसके पास एक लॉन्ग स्टॉक होगा तो इस वजह से क्या होगा कि वो वाटर सरफेस की तरफ झुकी हुई होगी और उसी टाइम क्या होता है कि जो आपका मेल फ्लावर होता है, वो ग्रेन रिलीज करता है और बाय द हेल्प ऑफ वॉटर द फीमेल फ्लावर ओके दे आर कैरीड पैसि सम ऑफ देम रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा सो आई होप आपको वैलिस नेरिया का एग्जाम्पल बेटर समझ में आया होगा अगर हम सी ग्रास के बारे में बात करें तो क्या होता है कि फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर एंड दॉलिन ग्रीन आर रिलीज इन साइड द वॉटर अभी जो हमने टर्म पढ़ा हाइफोहाइड्रोफिली ये उसके लिए सुटेबल एग्जाम्पल है तो आप देखोगे क्या हो रहा है कि जो फीमेल फ्लावर है वो इन साइड द वॉटर सबमर्ज रहती है और जो मेल रहता है वो पॉलिन ग्रीन को पानी में रिलीज आउट कर देता है एंड वेन दे मीज द

ठीक है सो so, जो फ्लावर्स विंड के थ्रू अपना कंप्लीट करते हैं उनके पॉलिन ग्रेन में एक कोटिंग एक म्यूसिलाजिनस कोटिंग रहता है जिससे जो उसे प्रोटेक्ट करता है वाटर से डिग्रेड होने में सो आई होप आप वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली के बारे में क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज योर इंसेक्ट पोलिनेशन और इसे हम कहते हैं एंटोमोफिली अब आप, आप देखोगे कि जो फ्लारिंग प्लांट्स रहते हैं उसके पेटल्स बहुत कलरफुल होते हैं सो so, इन पेटल्स के कलरफुल होने का ये रीज़न है कि वो डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या फिर डिफरेंट और इनके पास जो एक अरोमा और एक जो स्पेशल सेंट होता है इससे भी वो डिफरेंट हनी बीज या डिफरेंट इंसेक्ट को नेक्टर लेने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं सो फ्लावर्स आर कलर्ड ब्लूश पर्पलिश वॉइलेट येलो फ्लार्स अट्रैक्ट बीज वाइल्ड रेडिश फ्लॉर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड वेस्ट तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो ब्लूश पर्पल वॉयलेट और येलो कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो बीज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो हनी बीज रहती हैं वाइल्ड जो रेडिश फ्लावर्स रहते हैं वो बेसिकली बटरफ्लाइज और वैस्ट को अट्रैक्ट करते हैं Flowers commonly possess an aroma or scent, हम सब जानते हैं उसके डिफरेंट स्मेल रहते हैं विजिटिंग इंसेक्ट्स आर फेड बाय ईदर नेक्टर और पोलन ग्रेन सो इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब हानी भी नेक्टर सक करने आती है तो उसके तो उसके पाव में पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है और जब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाती है नेक्टर के लिए तो एक क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू पोलन के स्टिग्मास आर sticky so the last point is that the stigmas in this kind of pollination is sticky now the last kind of pollination is your bird pollination pollination by birds is common in coral tree bottle brush and silk cotton small birds help to occur pollination sunbirds and hummingbirds other birds such as bulbul parrot crow etc also help in achieving bird pollination so orthophiolous flower are large and strong with abundant nectar and edible part और क्या क्या एग्जाम्पल आप देखोगे बॉम्बैक्स एगेव तो ये सारे डिफरेंट प्लांट्स के एग्जाम्पल थे जो बर्ड पॉलीशन के हेल्प से अपना पॉलिनेशन कम्पलीट करता है यहाँ तक हम लोगों ने यहां तक हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में so the next and very interesting topic is your outbreeding devices now uh, see majority of the flowering plants are hermaphrodite what does the term hermaphrodite mean that means that the male and the female part is in the same organism or in the same uh, flower so what happens is that the pollen grains are most likely to come in contact with the stigma of the same flower and promoting Self pollination. Now, we have studied earlier that more and more self pollination leads to interbreeding depression. Now, what will happen? The flower won't be able to have new adaptive characters. There will be very less variation. Uh, because of all these disadvantages, many flowering plants have developed many devices to discourage self pollination. Okay, and in turn, what will happen? If they are discouraging self pollination, the chances of cross pollination will increase. Understood? Now, the first

या तो पोलिन ग्रीन पहले रिलीज हो जाएंगे स्टिग्मा उस टाइम रिसेप्टिव या एक्टिव नहीं होगा और या तो स्टिग्मा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा स्टिग्मा के इनएक्टिव होने के बाद रिलीज आउट हो पाएगा

is getting discouraged the third device to prevent interbreeding to prevent inbreeding is self incompatibility now see this is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower or the flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination on pollen tube growth in the pistil सो so बेसिकली देखो क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है तो जो पोलिन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं और फिर एक पोलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है टू द ओव्यूज ठीक है लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होगा जो प्लांट है वो ऐसा मैकेनिज्म उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो अपने पोलिन ग्रेन के साथ कभी भी पोलिन ट्यूब का ग्रोथ नहीं होने देगा वो उसी वक्त उसे स्टॉप कर देगा इसीलिए इसे कहा जा रहा है सेल्फ इनको इनको इन दिस काशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक् फ्लार तो ये भी एक बहुत अच्छा मैथड है सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करने सिर्फ मेल फ्लॉर रहेंगे पूरे एक प्लांट में और फीमेल फ्लॉर रहेगा पूरे एक प्लांट में तो इस वजह से क्या होगा देर आर मोर एंड मोर चांसेज ऑफ है cross pollination okay so if both and both so if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize that are monoecious it prevents autogamy but not genetogamy. okay so what was genetogamy? Genetogamy, let me revi remind you genetogamy was the pollination between the flower pollination between the anther of a flower and the stigma of another flower of the same species

And they are basically involved in large numbers. So even larger animals, such as some primates, for example, lemurs, arboreal, i.e., yani tree-dwelling rodents, even reptiles and some lizards, are also reported in the, in helping out the pollination. So let me mark it down. Even larger animals, such as some primates, lemurs, tree-dwelling rodents, even reptiles. Lizards, etc., have also been reported as some pollinators in some species. Okay, often flowers of animal-pollinated plants are specifically adapted for particular features. So, flowers are very large, colorful. They have fragrance. They have a very rich nectar. So, these are the things that are very useful in attracting insects towards itself. Now. animals are attracted to flowers by color or fragrance the flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animals to sustain animals visit now see what happens to keep the process of pollination a continuous process the flowers provide the animals and the insect as some rewards or in rewards ko hum floral rewards kehte hain to ye bahut Easily guess कर सकते हो आपकी rewards में क्या होगा पहले तो आपका नेक्टर और दूसरा ही pollen तो और पॉलिन ग्रीन तो जो नेक्टर और से वो एक तरह एनिमल लोग तरफ भी attract होते हैं ठीक है तो और इस वजह से क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं या इंसेक्ट होते हैं वो नेक्टर सक करने के लिए बार बार उस फ्लार के पास जाते हैं और उस फ्लार को इन टर्न पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं फॉर हार्वेस्टिंग एंड रिवॉर्ड From the flower, and the animal visitor comes in contact with anthers and the stigma. The body of the animal get a coating of pollen grain, which are generally sticky in animal-pollinated flowers. तो so, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि, for example, हम अगर हनी बी के बारे में भी बात करें तो जो pollen grain रहता है, वो उसके body में stick हो जाता है और जब और जब ये next flower में बैठेगी, तो pollination को complete कर देगी. Now, in some species, floral rewards are in providing. safe places to lay eggs. तो so, ये बहुत ही interesting example है to lay eggs. Now see what happens. बहुत जगह पे आपको nectar और pollen grain दिया जा रहा है but कुछ ऐसे भी interaction होते हैं insect और plant के जहाँ पर जो plant है वो उस insect को help करेगा insect के animal को help करेगा अपना eggs को safe तरीके से lay करने में Okay, so एक example है tallest flower of a क्योंकि फ्लार जो है वो खुद ही सिक्स फीट हाई होता है अनदर अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लाट यू का प्लांट कैनॉट कम्पलीट देर लाइफ साइकिल ओवरीर वॉट आर लोकल एंड द pollinated इन the moth द लारे ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ़ द एग्स एज सीड सी टू डेवलप जो मॉथ्स रहते हैं वो क्या करते हैं यूका प्लांट के ओवेरियन लोक्यूल में जाकर अपना एग लेकर देते हैं ठीक है और इन टर्न क्या होता है जैसे ही वो अपना एग ले करते हैं तो कुछ पॉलिन ग्रीन के हेल्प जो उसके बॉडी में स्टिक हुए हुए रहते हैं उसके हेल्प से जो यूका प्लांट है वो पॉलिनेटेड हो जाता है तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे ओवरी में ओवरी से यह सीड डेवलप होगा तो ये जो एग था जो मौत ने ले किया था इनसाइड दिन लोक्यूल वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा ओके सो तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट यूका एंड द मॉन सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक वाला बटन प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच